the second question. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड क्या बोला इसमें उन्होंने, हमारे पास कुछ रेशनल नंबर्स हैं 2/5 × −3/7 एक बच्चे ने मुझे इसका सॉल्यूशन सेंड किया, मैंने उसको बोला प्रॉपर्टीज को यूज करके ही इसको सॉल्व करना, मैंने उसे बोला प्रॉपर्टीज को यूज करके ही इसे सॉल्व करना, तो प्रॉपर्टीज को यूज करके हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, हम यहां देखते हैं हमारे पास जो ये सेट है रेशनल नंबर्स का और जो ये सेट है रेशनल नंबर्स का, इसमें 2/5 क्या है हमारे पास कॉमन है, तो हम यहां पर जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करी थी वैसे ही हम यहां पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस 2/5 × −3/7 प्लस ये सेट लिख देंगे हम 1/14 × 2/5 पहले ये सेट लिखा रेशनल नंबर्स का, फिर ये वाला सेट लिखा हमने रेशनल नंबर्स का, फिर बचता है हमारे पास ये सेट −1/6 × 3/2 तो हम जब देखते हैं कि इसमें 2/5 कॉमन है तो ये जो रेशनल नंबर है 2/5 ये इसमें कॉमन है, तो हम क्या करते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इनमें से ये 2/5 कॉमन लेके हम फर्दर −3/7 + 1/4 को सिंगल ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कर देते हैं 2/5 ब्रैकेट में −3/7 + 1/14 − −1/6 × 3/2 गॉट इट, जब हमने 2/5 का कॉमन लिया हमारे इस सेट से बचता क्या −3/7 ठीक है, इस सेट से हमारे पास बचता है −3/7 इस सेट से हमारे पास बचता है 1/14 अब आप देखेंगे 7 और 14 का एलसीएम कितना होता है 14 7 एंड 14 का एलसीएम 14 होता है, तो हम क्या करेंगे इसको 2/5 एलसीएम इसका आ गया 14। फर्दर हम इसमें वही करेंगे, इस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर यानी कि 7 से इस 14 को जो ये एलसीएम है इसको डिवाइड करेंगे, कैसे 14 ओके तो क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास 7 × 2 = 14 क्या है हमारे पास 2 इस 2 से हम इसकी न्यूमेरेटर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे ठीक है −3 × 2 अब ये साइन क्या है बीच में प्लस का साइन लगा दिया हमने फिर हम देखते हैं इसका डिनोमिनेटर कितना है 14 तो आप मुझे बताइए 14 से जब 14 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा 14 × 1 = 14 कितना है क्वेश्चन 1 तो इस 1 से इस 1 की मल्टीप्लाई यानी इसके न्यूमरेटर को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ओके 1 × 1 फिर हम देखते हैं हमारे पास बचा क्या है ये इसमें आप
फिर हमारे पास क्या बचता है माइनस के वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू। ओके फिर हम इसे सॉल्व करते हैं, टू बाय फाइव, थ्री टू जब सिक्स, वन प्लस वन, वन इंटू वन वन, माइनस के सिक्स प्लस वन, ये हो गया हमारे पास अपॉन मैंने से 14 माइनस। अब फर्दर से हम वही करेंगे, 2 2 जब 4, डिनोमिनेटर ढूंढने में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर मल्टीप्लिकेशन होगी। ओके तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4। देन हम ये देखते हैं कि माइनस 6 प्लस 1 कितना होता है 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन 5 इनटू ब्रैकेट। अब हम ब्रैकेट ही हटा देंगे, जब आप ये ब्रैकेट, जब ये ब्रैकेट हम हटाएंगे यहां से तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। क्या जाएगा? मल्टीप्लिकेशन का साइन। और इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं, माइनस 5 अपॉन 14 माइनस 1 अपॉन 4, जो ये रहता है यहां पे। ठीक है, अब आप देखते हैं कि अब तो इसमें कोई प्रोबेबिलिटी हम यूज नहीं कर रहे, है ना, तो इस 5 से इस 5 को कैंसिल आउट कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बट साइन है माइनस का, याद रहे आपको। ठीक है, अब हम इस 2 से इस 14 को कट कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1 अपॉन 4। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो इनको सॉल्व कैसे करें? ये तो पक्की बात है, जब दोनों में माइनस साइन है तो ये होंगे ऐड, यानी इनमें एडिशन होगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 7 और 4 का, तो 7 और 4 को प्राइम नंबर्स है, को प्राइम से नहीं कहते जिनमें कोई भी कॉमन टर्म ना हो, तो ये हमारे पास को प्राइम है, तो 7 हम इनका एलसीएम कैसे लेते हैं, को प्राइम्स को आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 4 जब 20, इनका एलसीएम कितना होगा 28। ठीक है, फिर इस 1 को, इस माइनस 1 को हम इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस माइनस 1 को इस 7 से, क्यों कि जब आप इस 7 से इस 28 को डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके पास 4, यानी कि 7 से जब आप इस 28 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, सेवन फोर जब 28 कितना आया 4, तो इस 4 से इसको माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जब इस नीचे 4 है तो सेम वही लाइन फिर हम यहां पे इस 4 से 20 कितना आया 7, तो वो 7 हम उस 7 से इस 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 1 इनटू 7, तो क्या बचता है हमारे पास, हम देखते हैं फोर वन जब फोर, सेवन वन जब सेवन, दैट मीन्स माइनस 4 माइनस 7 अपॉन 28, तो क्या बचेगा, 4 और 7 दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि माइनस के 11 अपॉन 28, ये हमारा आंसर है।